शाजापुर में लगातार दो तीन दिनों से डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। शहर में सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। वहीं एक तरफ बोनी का समय है, किसान को अगर डीजल नहीं मिलेगा तो किसान खेतों की बोनी कैसे करेगा। वहीं किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें डीजल 2000 से 3000 तक का ही दिया जा रहा है, ऐसे में हम कैसे बोनी करेंगे, जबकि ट्रैक्टर में हमको डीजल कम से कम 50 लीटर तक चाहिए होता है। एक दो घंटे से खड़े हुए हैं और यहाँ पे पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं अभी, और 3-4 हजार से ज्यादा का ये डीजल नहीं दे रहा। तो खेत में ट्रैक्टर पिया घर में फसल कहाँ से करा, खेती कहाँ से बखरा, डीजल है ही नहीं, आया नहीं हमारे पास, और 2000 1500 का दे ही दिया, इससे ज्यादा नहीं देंगे। 2000 रुपये का डीजल बोल रहे हैं, 2000 रुपये का डीजल देंगे आपको, और हमारा किसानों का काम है, किसान का खेती का काम आया, वो डीजल नहीं मिल रहा हमको, बहुत परेशानी आ रही है डीजल के लिए। वो डेली आ रहे हैं यहाँ शाजापुर डीजल लेने, डीजल नहीं मिल रहा, कोई कहता है कि अभी यही नहीं है, पेट्रोल पंप वाला बोलते हैं कि अभी डीजल आया ही नहीं है।